नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस में फिजिक्स के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वहाँ दोस्तों आसंजक बल का अभाव रहता है, इसी कारण पानी की बूंदे उस स्थान पर नहीं चिपकती। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस या एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे याद करना, दोस्तों बीपी से दोस्तों आप याद कर लेना। ठीक है, इसको दोस्तों बीपी को आप अपनी ट्रिक बना लेना। ठीक है, बी से दोस्तों ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज अणुशक्ति से नहीं संबंधित है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, मेनाजाइट, बेरिलियम, थोरियम, दोस्तों ये तीनों खनिज अणुशक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समृद्ध यूरेनियम होता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर दोस्तों हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दोस्तों घर्षण बल दोस्तों नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए, टेपिडम लुसियड के कारण दोस्तों उनकी आंखें रातों में चमकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों हमें आकाश नीला दिखाई देता है पृथ्वी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, पारे का स्तर घटेगा। ठीक है, पारे का स्तर उसमें घटने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? बताइए इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दृश्य क्षेत्र में दोस्तों संक्रमण आयन जो होते हैं प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है।